नमस्कार दोस्तों, सभी मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। 2024 के अंतर्गत ओनली 12वीं पास महिला पुरुष कोई सभी कैंडिडेट है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हो, भले ही आपका 40% क्यों ना हो दोस्तों, सरकारी नौकरी का अगर सपना है तो इस सपना को साकार करने का एक सुनहरा मौका आप सभी कैंडिडेट के पास आ गया है दोस्तों। सारा कुछ इस वैकेंसी का A to Z बताने वाला हूं, साथ ही साथ एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, आपका जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, सब कुछ आसान भाषा में इसी वीडियो में A to Z सिलेबस तक बताने वाला हूं दोस्तों। बस आप लोगों से मेरा एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। उसमें एज की जो क्राइटेरिया है 18 से 30 साल रखी गई है दोस्तों, ठीक है, 18 से 30 साल तक ही रहता है। तो SC ST 5 साल का छूट है, OBC में 3 साल की छूट है। और योग्यता क्वालिफिकेशन मस्ट, मतलब सबसे ज्यादा देखिए, अब 2354 पोस्ट है ना, इसमें से 1900 के आसपास आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा 12th पास वैकेंसी, ठीक है। और कुछ पोस्ट में आपका ग्रेजुएशन रखी गई है, एनी ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री पास में आपका BA BSc BCOM कुछ भी हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। फीस की बात करें, बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फीस के कारणवश फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए बता दूं, जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस है, SC ST PWD 00 रुपए फीस है। तो इस वैकेंसी में आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, अब ये टोटल जो वैकेंसी है ना, वो तो आई है कितना, 2354 पोस्ट। अब देखिए, चार कैटेगरी है अपने पास, जनरल OBC EWS SC ST और EWS SC ST OBC जनरल, यानी कि 5 कैटेगरी समझ जाइए। तो पांचों में कितना कितना पोस्ट है ये आप लोगों को बता देता हूं। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसी के बता रहा हूं, इसमें Grade 4 की भी वैकेंसी है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में 1074 पोस्ट है इसमें, ठीक है। ओबीसी में 677 पोस्ट है दोस्तों, EWS में 289 पोस्ट है, SC में 100 पोस्ट है, ST में 214, टोटल मिला करके 2354 पदों पे अच्छी खासी भर्ती आई हुई है दोस्तों। इस वैकेंसी का ना लाभ जरूर उठा लीजिएगा दोस्तों। 2024 में अगर आपको नौकरी चाहिए ना, वो भी जून से पहले अगर ज्वाइनिंग लेना है, तो इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इस वैकेंसी में ना कौन कौन सा पोस्ट पे भर्ती आई है ये सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि देखिए पोस्ट की जानकारी हो गया, कैटेगरी में कितना पोस्ट है ये जानकारी हो गया, अब पद का भी जानकारी यानी कि कौन कौन सा पोस्ट है इसका भी रख लीजिए। तो सबसे पहले आपका दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, उसके बाद LDC यानी कि लोअर डिविजन क्लर्क, ठीक है, और उसके बाद असिस्टेंट के पोस्ट है, फिर स्टेनो का पोस्ट है, फिर असिस्टेंट Grade 1 का पोस्ट है, और अदर कुछ कुछ पोस्ट है दोस्तों, उसको मैंने नहीं बता पाया, लेकिन साथ ही साथ इसका और बता दूं, नर्सरी टीचर का भी पोस्ट है, उसका उसका अलग वैकेंसी, लेकिन मैं जो पोस्ट आप लोगों को बोर्ड में बताया उसका टोटल मिला करके 2354 पद होता है, यानी कि एक सुनहरा मौका है जितने भी मेल हो या फीमेल हो सभी कैंडिडेट के लिए, ठीक है दोस्तों। एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, ठीक है। अब देखिए, इन सभी पोस्ट में तो आपको एज क्राइटेरिया में बता दिया 18 से 30 साल है, ठीक है, जनरल और SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल छूट मिलता है, ठीक है। योग्यता 12वीं पास, जो भी मैंने बता दिया दोस्तों उसको छोड़ करके आपको एक चीज मैं बता दूं, इसका फॉर्म अप्लाई कब होगा, साथ ही साथ इसमें सिलेबस क्या रहने वाली, यानी कि आप इसका किस भाग को अगर पढ़ाई करना चाहते, स्टडी करना चाहते इस वैकेंसी का, तो क्या क्या तैयारी करें, ये भी आप लोगों को बताने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें ना दोस्तों आपका एग्जाम सेंटर कहां होने वाली है। तो आपका जो एग्जाम सेंटर है ना दोस्तों, वो दिल्ली में होने वाली है, ठीक है, दिल्ली में होने वाली है। और इसमें सिलेबस तो 200 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का आएगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और 1/4 यानी कि 4 गलत पे 1 नंबर कट निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स का 40 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाली है, GK GS का 40 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का 40 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन रहेगा, ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, यही पूछा जाता है। लेकिन अभी इसका ऑफिशियली सिलेबस
नहीं आया है, लेकिन इससे पहले जितनी भी बार भर्ती हुई है उसके आधार पे ये सिलेबस आप लोगों को मैं बताया हूं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना दोस्तों फॉर्म का अप्लाई बता दूं, अप्लाई इसका 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 के बीच में है, ठीक है। लेकिन इसी दिन 9 जनवरी को आपका संपूर्ण नोटिफिकेशन प्लस सिलेबस आने वाली है। उस दिन एक बार और मैं आप लोगों को कंफर्म डिटेल्स के साथ सिलेबस का जानकारी दे देगा दोस्तों। और इस वैकेंसी में ना जरूर आप फॉर्म फिल करें, भले आपका क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही क्यों ना हो, और आपका जो लेवल है ना, क्या बोलते हैं, आपका जो पास होने का जो है ना दोस्तों, भले आप 40% से ही 12वीं पास क्यों ना हो, कोई सा भी स्ट्रीम, आप चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो, आप जरूर इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा दोस्तों। एग्जाम सेंटर तो बता ही दिया आपको, इस पोस्ट में अगर आप एग्जाम दिलाते हो तो आपका दिल्ली में होने वाली है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, दिल्ली में तो आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन आपका जो ना जॉब लोकेशन है ना, वो भी आपका दिल्ली में होने वाला है। तो दिल्ली में आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, चाहे कोई से भी कैटेगरी कैंडिडेट है। और आपको बता दो, दिल्ली जैसे जगह में नौकरी मिलेगा, इससे बढ़िया जॉब आपको क्या चाहिए यार। हाँ, पूरा देश से, पूरा देश का सेंटर हब है समझिए दिल्ली, क्योंकि सभी राज्य से ज्यादातर दोस्तों वहां पे काम करने जाते हैं कोई ना कोई, ठीक है, ज्यादातर। वैसी जगह पे आप सोचिए, देखिए प्राइवेट कंपनी वाले भी वहां पे काम करने जाते हैं, गवर्नमेंट में भी काम करने जाते, लेकिन दिल्ली में आपको अगर नौकरी मिल रहा है वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो इससे बढ़िया चांस आपको क्या मिलेगा, सैलरी वगैरह सब कुछ बहुत हाई क्लास, ठीक है। जरूर फॉर्म फिल किया करो, किसी भी प्रकार का आपका सवाल है आपके मन में तो कमेंट किया करो दोस्तों, मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जा करके आप फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम में, डेली नोटिफिकेशन के साथ आपको छोटी छोटी अपडेट मिलते रहेगी। एक चीज बता दूं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं रहे, और इसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आसानी से आप वो नोटिफिकेशन पूरा रीड कर सके, ठीक है। इसमें देखिए, इस 2354 पोस्ट में जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का भी पोस्ट है, ग्रेड 4, तो आप समझिए दोस्तों एक सुनहरा मौका है आप सभी का, क्योंकि ग्रेड 4 के वैकेंसी में ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, जरूर फॉर्म फिल किया करें दोस्तों। देखिए, आप अगर किसी भी वैकेंसी में फॉर्म फिल करोगे ही नहीं तो सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं दोस्तों, सिंपल सा बात है मेरा। जब तक किसी वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तब तक भी आप फॉर्म फिल नहीं करोगे, और जब फॉर्म फिल करोगे तभी सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। तैयारी में जुटे नहीं हो तो जुट जाइए दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक आप एक कदम आगे बढ़ करके सोचोगे नहीं, फॉर्म फिल करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला, बट सोचते रह जाओगे, लेकिन फॉर्म फिल करोगे तो कम से कम सिलेक्शन का चांस रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हर एक वैकेंसी के बारे में, हर कुछ जो भी ज्ञान मिल रहा है ले लो, हर एक वैकेंसी के बारे में जानकारी रखो, कोई सभी स्टेट का हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट की वैकेंसी आती है उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, जैसे कि बिहार में आया था ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था, दिल्ली में आया था ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था, वैसे ही हर जगह ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जरूर फॉर्म फिल किया करो, आप ही के कैरियर बनेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली मोटिवेशनल वीडियो के साथ आप लोगों को नई नई भर्ती की अपडेट A to Z मिलते रहेगी दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।